बानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका परिवार भी खुश होता है, लेकिन बानी को डर लग रहा होगा क्योंकि उसने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है और यहाँ पर आने वाले संकट का उसे पहले ही एहसास हो रहा होगा। पूनम जी भी काफ़ी ज़्यादा डरी होंगी, आप सभी को आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बानी को डर लग रहा होगा कि अगर सच पता चलेगा किसी को भी तो क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों जो माही डुल्लो है वो कहने वाला है कि बड़ी यहाँ पर खुश नसीब हैं सभी जो यहाँ पर बानी जैसी बहू उन्हें मिली है, जो यहाँ पर सारी मुसीबतों से लड़ करके पैसों को इकट्ठा की और किसी भी तरीके से यहाँ पर रजत को जेल से बाहर निकलवाई और रजत की मनोकामना यहाँ पर तो पूरी हो चुकी है। रजत काफ़ी खुश होगा, लेकिन लवण्या आकर बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बानी है वो दोस्तों यहाँ पर पैसे इकट्ठा की थी। आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट मिस मत करेगा, आप सभी देखना कि यहाँ पर रजत जब ये सारा सबूत ले लेगा तब यहाँ पर उसके क्या हाल होते हैं और वो क्या पूछेगा बानी से, जिस वजह से बानी पहले ही डरी है। क्योंकि लवण्या यहाँ पर बता दी होगी कि कोई भी बॉस इतना जल्दी पैसे तो नहीं देगा और वो भी इतना छोटे नौकरी पर।